Welcome. Data Interpretation, अमर सर YouTube चैनल पर इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्री एग्जाम को ध्यान में रख करके SBI क्लर्क और SBI PO प्री एग्जाम को ध्यान में रख करके डबल पाई डायग्राम पर बात कर रहे हैं। डबल पाई डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, इसमें फिर एक बार देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। देखिए, ये आपका 5 क्वेश्चंस हैं और ये इन्फॉर्मेशंस हैं। इन्फॉर्मेशंस को पहले एनालाइज कीजिए कि वो क्या है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन ए कॉलेज, मीनिंग समझिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इज इक्वल टू 6000। इसका मायने ये हुआ कि 6000 स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं जिन्होंने की जो कि एडमिटेड हुए, उनका टोटल नंबर, और वो किन किन स्ट्रीम्स में इनरोल्ड हुए, एडमिटेड हुए, उनका परसेंटेज दिया है। इसका मतलब 100% में 6000, तो हम बता सकते हैं कि 10% आर्ट्स में 600 स्टूडेंट्स थे। लेकिन उसमें बॉयज गर्ल्स ये सब की चर्चा नहीं है। उसके नीचे इंफॉर्मेशन है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन दीज स्ट्रीम्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थे, जो कि दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3500, इसका मतलब 2500 बॉयज थे, इसका मतलब टोटल 6000 थे। तो इस 3500 गर्ल्स को उनमें से अलग करके लाए और फिर उनको कहा कि आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो 3500 को 100% मान करके ये निकाला गया। यानी अगर हम फार्मेसी में पूछें तो 20% का मतलब 700 गर्ल्स थे। जल्दी बोलिए, फार्मेसी में गर्ल्स कितने थे, तो बोलेंगे 700 थे, और सबका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन बॉयज का वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा, फार्मेसी में पहले 24% निकालना पड़ेगा। 24% कितना होगा, 24 × 3 = 72 का डबल 144, निकालना पड़ेगा 1440। और उस 1440 में फार्मेसी का जो 20% निकला, यानी 700 हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के 740 उधर बॉयज होंगे। जल्दी बोलिए, फार्मेसी में ऐसा ही दूसरे सेक्शन में भी। तो ये मैटर समझ में आ रहा है, एक बार देख लीजिए तो पूरा इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। क्लियर? होता यह है कि नंबर जो दिए हुए हैं वो अगर थोड़ा टेढ़े होते हैं तो हम लोग रेशियो मेथड यूज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना टेढ़ा नहीं है, तो फिर क्या जरूरी है। 6000 तो सीधा ही है और ये 3500 है। अगर 3600 होता या कुछ और होता तो सोचते, इसमें हम 1% 35 है तो 2% 70 एक सुंदर नंबर मिलता है, इसीलिए नो नीड। पहली बात। दूसरी बात कि बॉयज का नंबर निकालना मुश्किल काम है, किसी स्ट्रीम में स्टूडेंट का नंबर निकालना बड़ा आसान है, बस 6000 का उतना परसेंट। गर्ल्स का नंबर निकालना बड़ा आसान है, जिस ब्रांच में जाएंगे उसका 20% निकाल दिया, फार्मेसी में हो गया। बॉयज का तभी निकलेगा जब टोटल नंबर निकालने के बाद गर्ल्स निकाल के घटाएंगे, लेस करेंगे, और अगर 2-3 बार करना पड़ा तो फिर बड़ा मुश्किल है अप्रोच। अगर ये मैथमेटिक्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन का सेट है आपका एग्जाम में और आपके पास 2 मिनट्स बचे हैं, तब दूसरा अप्रोच होगा, और यदि 4 मिनट्स बचे हैं, 3 मिनट्स प्लस, तो दूसरा अप्रोच होगा। ये डेटा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व किए बिना 2 से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2 मिनट बचा है तो फिर सॉल्व क्यों करें, उसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, लेकिन अगर 3 मिनट्स प्लस है तो हम यहां डेटा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। आइए डेटा को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं,
22% कितना होगा? 22% तरह तरह से निकाल सकते हैं कॉमर्स में, 20% 1200 और 122% 1320, यानी यहां लिख देते हैं कि 1320 टोटल स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। गर्ल्स का नंबर यहां से निकालते हैं, वही लिख के बॉयज भी लेस कर देते हैं, तो कॉमर्स में गर्ल्स कितने हैं? तो गर्ल्स 16% है, ऐसे नहीं करते, 1% 35 है ना, तो 2% 70 है, 2% का 8 टाइम्स, यानी 70 का 8 टाइम 560 गर्ल्स हैं जो वहां से हमने निकाला। तो बॉयज कितने हैं? रेस्ट कैसे निकालेंगे? 600 पर खड़े हो जाइए, 720 और 4760, बोले ने 760, और दोनों को ऐड कीजिए 1320 होगा, ऐसे ही 600 पर खड़ा होके झांकेंगे। इसके बाद आर्ट्स में कितने हैं? 600, यहां 600 लिख देते हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हुई, और आर्ट में 2% बोलिए 70, तो 70 × 7 14% लेना है, 2% का 7 टाइम्स 14%, 2% मतलब 70 × 7 490, अगर 490 गर्ल्स हैं तो बाकी 110 बॉयज हैं, ये दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में 16%, तो हम 16 6 बोल सकते हैं, ऐसे 960 तो लिख देते हैं यहां पर 960, ये टोटल 960 टोटल इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स होने के बाद हम लोग गर्ल्स का नंबर निकालते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब 16 26%, 1% 35 है, 2% कितना हुआ 70, 2 का 13 टाइम 70 का 13 टाइम्स बोले, तो 13 7 जा बोले 910 बोले 1391, और बाकी हुआ 50 बॉयज, लिखते नहीं है, पहला गर्ल्स फिर बॉयज, ये लेके ही चलते हैं, गर्ल्स बॉयज ऐसे करके सब जगह है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं है, लिख देते हैं। फार्मेसी 24% किसको बोलते हैं? एक तो आप बोल सकते हैं 24 × 6 24 24 72 144 1440 1440, ऐसे। दूसरा बोल सकते हैं 25% क्या होता है? 1/4 1500, और 1500 में 1% 60 हटा दीजिए तो क्या बोलेंगे? 1440। इस फार्मेसी में 20% मतलब 700 कौन है? गर्ल्स, तो बॉयज कितने हुए? 740, ये बॉयज का नंबर हुआ। साइंस में 28% है, बोल सकते हैं 28 दिया 84 दुना 168 1680, ऐसे आप बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं 25% तो 1500 है और 3% 180 है तो 1680 बोले, दोनों तरह से जो अच्छा लगे। गर्ल्स का नंबर साइंस में 24% ऑफ 3500, तो 2% 70 है, 70 × 12 2% का 12 टाइम्स 24% 70 × 12 बोले 1284 840, और 840 अगर यह होगा तो ये भी 840 होगा। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब क्वेश्चंस की ओर आएंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा है? चलिए एक एक करके अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा आसानी से कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग लास्ट नंबर से शुरू करते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन कॉमर्स इज अप्रॉक्सीमेटली, एक तो ध्यान जाता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन बॉयज पर भी ध्यान जाता है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व नहीं करते तो निकालना होता टोटल नंबर गर्ल्स और फिर। तो द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन कॉमर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, टोटल नंबर 6000 का कितना परसेंट है? तो बॉयज कॉमर्स में कितने हैं? बॉयज कॉमर्स में कितने हैं? 760 को कितना परसेंट बोलेंगे? यानी ये कोई तरीका नहीं होगा कि हम 760 बाई 6000 लिख के और तब ऐसे करें, ये कोई तरीका नहीं होगा।
10% तो हमें मालूम है, 10% हमें मालूम है कि इसे हम 600 कहते हैं। रहा सवाल 160 का, 160 को क्या बोलेंगे? 3% कितना होगा? 180। 180 से थोड़ा कम होगा, 180 से थोड़ा कम होगा। 3% क्या होगा? 180 से थोड़ा कम होगा। ये 780 अगर होता तो 13% बोलते। जल्दी बोलिए, 760 है, 20 का मतलब कुछ नहीं है। देखिए 20 का मतलब 1/3 माने 0.3। आप बोल सकते हैं कि इसमें हम 0.3% घटा दें, 0.3% जो होता है इसको घटा दें, तो करीब करीब 20 मतलब निकालना नहीं, हमारा काम हो चुका है। लेकिन मैं यूं ही एक बात कह रहा हूं, ये 12.7% रियल में ये है 760, हमें रियल में नहीं निकालना है। Approx what? आप देख रहे हैं 0.1, 0.2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 13% D is the answer. So D is the answer. लिखें D is answer. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर बात करते हैं। What is the ratio of the number of girls admitted in pharmacy to the number of boys admitted in arts? ये क्या है फोर्थ नंबर? सीधा रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन फार्मेसी। गर्ल्स इन फार्मेसी क्या है? 700 इस टू नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट्स। तो आर्ट्स में बॉयज कितने हैं? 110। इसमें कुछ नहीं था, 70:11 इज आंसर, यानी कि ए इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर, ऐसे ही बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर। क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज किसका? आर्ट एंड कॉमर्स किसका? गर्ल्स का। तो गर्ल्स का आर्ट एंड कॉमर्स में क्या है? आर्ट में 490 है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, आर्ट में गर्ल्स 490 है और आर्ट के बाद कॉमर्स, कॉमर्स में गर्ल्स 560। ये 560 जो है ये ऐसे नहीं बनाएंगे, कितना परसेंट है किसका? तो नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स, फार्मेसी में 740 एंड इकोनॉमिक्स में 50। यही है नंबर ऑफ बॉयज इन फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स, फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन ये बनाने का कोई तरीका नहीं होगा, ये 10 इसे दे दीजिए ना, 5 5 10 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 790, ये आ रहा है। पर ये कोई बनाने का तरीका नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये बनाने का कोई तरीका नहीं है कि आप इसको ऐसे 100 कीजिए, ये नहीं। हम जानते हैं कि 790 ये क्या है, 100%। तो 790 हटा दीजिए ना, बाकी क्या बचा? 260। यानी 260 को क्या कहेंगे? 260 इज व्हाट परसेंट ऑफ 790, क्योंकि वो तो 100 रहेगा ही, वो भी ऐसे नहीं निकालेंगे। आप सोचिए कि अगर हम 30% लें, 30% लें, क्यों लें? 1/3 नहीं है क्या? हम ये जानते हैं कि नहीं, ये 1/3 है कि नहीं, और 1/3 का मतलब 33 1/3% होता है कि नहीं, इसका मतलब 133% अप्रॉक्स हुआ कि नहीं, अप्रॉक्स हुआ कि नहीं। सो आंसर सी इज आंसर। ठीक है, क्लियर? क्यों करें, जरूरत क्या है? करना तो चाहते थे, 240 से 3 कम बोलते 210 और फिर आगे बढ़ते, वाई जरूरत क्या है? ठीक है, अगला सवाल सेकंड नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट्स टुगेदर। ये तो एक आसान सवाल है, जस्ट नंबर चूंकि सॉल्व कर चुके, नहीं तो मुश्किल सवाल होता। इकोनॉमिक्स बॉयज इकोनॉमिक्स 50 प्लस साइंस बॉयज 840 प्लस आर्ट में बॉयज 110,
मन करता है देखिए 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 ये 160 और ये 1000 1000 इज आंसर बोलेंगे डी इज आंसर ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि फर्स्ट नंबर के रूप में है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं। Approximately what percent of the boys got admitted in economics with respect to the total number of students admitted in the same stream? Approximately what percent of boys got admitted in economics? तो economics में boys क्या है? 50 और ये total number of student का कितना percent है उस subject में कितने हैं 960। मतलब ये कोई बनाने का तरीका नहीं होगा। हम जानते हैं कि 960 का मतलब 100% है। हम ये भी जानते हैं कि 96 का मतलब 10% है। तो हम 9.6 का मतलब हम जानते हैं कि 1% है। और जरा देखिए तो 5% को 48 बोलते हैं कि नहीं, तो फिर 50 को क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना। 2 का वैल्यू क्या है? 2 का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, 0.2 करीब, 0.2 मतलब 2 का मतलब हम बोलेंगे 0.2, जरूरत नहीं है, 0.2% ऐड कर दीजिए, यानी 5.2% approximately equal to 5% आंसर। बोलिए सी इज आंसर। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पढ़ाई का जो सिलसिला है उसमें इससे बल मिलेगा। ऐसे लगातार पोस्ट आते रहेंगे। बस कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पर। ऑल द बेस्ट।